नमस्कार, स्वागत है आपका लेक सिटी लाइफ पे। मैं हूँ स्तुति श्रोति और आज हिंदी दिवस के इस खास मौके पर हमारे साथ हिंदी भाषा के एक प्रख्यात लेखक, कवि और उपन्यासकार है। मैं स्वागत करती हूँ उदयन वाजपेयी जी का। धन्यवाद सर। आज हिंदी दिवस के इस मौके पे मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि हिंदी साहित्य में, हिंदी उपन्यास में और हिंदी भाषा में आपका परिचय कैसे हुआ, आप कैसे इस फील्ड में आए? ऐसा था कि मैं तो बनने आया था डॉक्टर इस शहर में और पढ़ता रहता था बचपन से। हमारे घर में परिवेश था किताबें पढ़ने का, तो मैंने 8वीं कक्षा में टॉलस्टॉय की उपन्यास का हिंदी अनुवाद पढ़ लिया था। प्रेमचंद को मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत आकर्षित, वो न तप करते थे न आप करते हैं। लेकिन इस बीच मैंने एक लेखक को पढ़ा, वो थे निर्मल वर्मा। उनकी कुछ कहानियाँ मैंने पढ़ी और जैसा कि आपको अंदाज़ है, उस बहुत छोटी उम्र में आपकी रुचि, उस वक़्त आप नए नए अपने लिए जाग रहे होते हैं, तो उनकी प्रेम कहानियाँ होती थी, वो बड़ी आकर्षक थी हमारे लिए, तो उनको पढ़ना मैंने शुरू किया। उसके बाद जब मैं भोपाल आ गया और मैं संयोग से निर्मल वर्मा से मिलना भी हुआ, मेरा जो भाई जिसके घर पे मैं रहता था, अशोक नाम था उसका, है उसका, उसके घर में किताबें बहुत थी, तो मैं पूरे वक्त साहित्य की पुस्तकें ही पढ़ता रहता था और मुझे बहुत आनंद आता था पढ़ने में। और एक समय पे आके मुझे ये एहसास हुआ कि मैं तो दरअसल लिखने पैदा हुआ हूँ। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया और तब तक मैं बचपन से डायरियाँ लिखता था हिंदी में, और लिखने का उस तरह से, और ऐसे ही जो बच्चे तरह तरह की कविताएं बनाते हैं वो भी बनाया करता था, बचपन की कविताएं छोटी छोटी, और लिखता था थोड़ा। और संयोग से मुझे बिना लिखे कुछ समझ में नहीं आता था, तो ये एक अजीब सी ऐसी बात थी। बल्कि एक अजीब किस्सा मैं आपको बताऊं, मेरे पिता की जब मृत्यु हो रही थी उस वक्त भी मैं, वो जो घट रहा था मेरे सामने उसको मैं डायरी में लिख रहा था। तो मेरे लिए शब्द एक इंद्री की तरह है, जैसे आँख होती है, कान होती है, जीभ है, नाक है गंध के लिए, वैसे ही शब्द एक इंद्री की तरह हमारे जीवन में था, तो वहाँ से शायद लिखना शुरू हुआ होगा। सर, जब भाषा की कल्पना करते हैं तो आपके हिसाब से हिंदी भाषा की कल्पना और उसका विकास किस तरह से हुआ है? हिंदी भाषा का बड़ा उबड़ खाबड़ विकास है। एक तो हिंदी बहुत तरह तरह की ऐतिहासिक स्थितियों में बदलती रही है। शुरू बहुत लोग डिंगल पिंगल से शुरुआत मानते हैं, लेकिन वो एक किस्म की ऐतिहासिक सच्चाई है। हिंदी अपनी बोलियों में वास करती थी, ब्रज थी, अवधी थी, बैंसवाड़ी थी, छत्तीसगढ़ी, बुदेलखंडी, ये तमाम भाषाएं थीं। फिर अंग्रेजी शासन के दौरान और बल्कि उसके पहले एक ऐसी ज़रूरत महसूस हुई कि हम आपसी संबंध बनाएं इन बोलियों के बीच, तो ये जो खड़ी बोली जिसको हम आप हिंदी कह रहे हैं आज, वो थोड़ी सी ज़्यादा प्रभावी हो गई और फिर वो ही फैलती चली और अंग्रेजी शासन में उसे ज़्यादा मान्यता भी मिली। वो और उर्दू ये साथ चले, बल्कि ये मैं इनको साइमी जुड़वा कहता हूँ, जिसमें शरीर एक है, सिर्फ मुँह दो हैं। तो उर्दू में थोड़ी सी फारसी और अरबी ज़्यादा होती है, हिंदी में थोड़ी कम होती है, वरना संस्कृत दोनों में है, अरबी फारसी दोनों में है, सिर्फ अनुपात का फर्क है। तो हिंदी इस तरह उर्दू के साथ साथ फिर विकसित होती रही। फिर हिंदी में एक बहुत लंबा काल हुआ भक्ति की कविता का, तो जो ब्रज में थी, अवधि में थी, तुलसीदास अवधि में थे, ब्रज में तुलसीदास लिखते या कबीर लिखते थे, राजस्थानी में मीरा लिखती थी, ये सारी हिंदियाँ ही थी। और ये तमाम हिंदियों के बीच से इनकी अंतःसूत्र की तरह खड़ी बोली हिंदी का जन्म हुआ और फिर आज वही बात भाषा है। और ये बोलियाँ उसमें पिछले दरवाजे से घुस गई हैं कि आज आप पहचान सकते हैं कि कौन पंजाबी हिंदी बोल रहा है, कौन मराठी हिंदी बोल रहा है, कौन छत्तीसगढ़ी हिंदी। तो ये एक तरह से हिंदी आज जो हम सुन रहे हैं ये बहुभाषिक भाषा है, एक ही भाषा में बहुत से स्तर हैं।
तो ये बहुभाषिक, इसको एक भाषा की तरह नहीं लेना चाहिए, इसमें बहुत सी भाषाएं एक साथ आ गई हैं। सर, जैसा कि आपके बारे में जब पढ़ रही थी तो पता चला आपने अंतर्राष्ट्रीय दौर बहुत किया है। सर, हमारी संस्कृति पे हिंदी भाषा का कितना प्रभाव है, और सब संस्कृति को अगर जीवित रखना है तो भाषा को जीवित रखना बहुत महत्वपूर्ण है, इस बारे में आप हिंदी क्या सकते? जिसको हम संस्कृति कह रहे हैं और भाषा, ये दो अलग चीज़ होती ही नहीं है जी। भाषा अपने में एक संस्कृति का अविभाज्य अंग होती है, भाषा बल्कि संस्कृति के लगभग केंद्र में होती है। भाषा और भंगिमा, भंगिमा से को जब भाषा से मिल जाती है तो नाटक और नृत्य पैदा होते हैं, सिनेमा पैदा होता है। जब केवल भंगिमा होती है तो नृत्य होता है जिसमें अभिनय नहीं होता है। और भंगिमा रंगों की भी होती है, वर्णिका भंग उसको कहते हैं हमारी परंपरा में। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनसे मिल के संस्कृति, संस्कृति साहित्य चित्रकला नाटक, इनमें जो मूल्य बोध पैदा होते हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज पैदा होती हैं, उनके समुच्चय को कहते हैं। तो कविता के अंतस से मूल्य पैदा होता है, कहानी के, उपन्यास के, सिनेमा के, नाटक के, नृत्य के, इनके भीतर से मूल्य पैदा होते हैं बार बार, और उन मूल्यों को सहेज के रखने का नाम संस्कृति होता है। और फिर उन्हीं के सहारे, जैसे उसमें कपड़े का पहनावा वो भी शामिल हो जाता है, बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर साहित्य और नाटक और जिसको हम कलाएँ कहते हैं वो धीरे धीरे अगर कमज़ोर हो जाती है किसी संस्कृति में, तो वो संस्कृति खोखली हो जाती है। संस्कृति की जीवंतता एक सृजनात्मक भाषा, नाटक, भंगिमाएं, चित्रकला, सिनेमा, क्रिएटिवली उनसे पैदा होती है। तो संस्कृति से अगर आप सारी सृजनात्मक कृतियों को अलग कर दें तो वो खोखली हो जाएगी, जो हो रहा है हमारे समय में। हमने फैशन को हमने अंदर ले आए हैं, हम खेल को, खेल का भी एक तरह का फैशनेबल रूप हम अंदर ले आए हैं, इनसे मूल्य नहीं पैदा होते। फैशन मूल्यों को का इस्तेमाल करती है, जबकि भाषा मूल्यों की का परीक्षण करती है और नए नए तरह के मूल्य पैदा करती है। हम सब नए मूल्य लेके पैदा हुए, उनको स्थान भाषा के जरिए ही मिलता है संस्कृति में। हम सब हिस्सेदारी संस्कृति में भाषा से या भंगिमाओं या रंगों से करते। तो भाषा को आप संस्कृति से अलग नहीं कर सकते, और संस्कृति का जो हृदय है, का जो दिल है, वो भाषाओं और क्रिएटिव जो सारे सृजनात्मक कार्य हैं उसमें धड़कता है। नाटक में धड़कता है, चित्रकला में धड़कता है। आप दिल हटा दीजिए तो जैसे शरीर एक तरह का खोखला और मृत होता है, वैसी संस्कृति हो जाती है। सर, जैसे आपने बताया आपने भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए लिखना शुरू किया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी अनेक भावनाएं थीं, उसमें आपके नज़रिए में भाषा ने क्या अपनी भूमिका निभाई है स्वतंत्रता संग्राम के? एक तो भावनाओं अकेला मैंने कहा नहीं होगा, आपने सुन लिया, लेकिन कोई बात नहीं, अनुभव से होती है रचना, भावना उसका एक अंग होती है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मेरा जिया हुआ समूचा जीवन, मेरी उदासियाँ, मेरी खुशियाँ, मेरे सोचने के ढंग, बहुत सारी चीज़ें मिल के कविता की एक पंक्ति बनती, बहुत सारी यात्राओं की धूल, ये सारे मिलके एक पंक्ति बनती है। अब रहा स्वतंत्रता संग्राम का सवाल, तो दो धरातलों पे ये कविताएं और कहानियां लिखी, एक तो वो जो सीधे अंग्रेजों को प्रश्नांकित कर रही थी, दूसरा वो अपनी संस्कृति की समृद्धि को बढ़ा रही थी ताकि अंग्रेजी सभ्यता उसके सामने खुद कमज़ोर महसूस हो और भारतीयों के मन में आत्मविश्वास बढ़े। तो पहली कोटि के जो कवि थे जिनको क्रांतिकारी कवि कहा जाता था, रामप्रसाद बिस्मिल वगैरह जिसमें थे, या एक हद तक मैथिली शरण गुप्त की कुछ शुरुआती रचनाएं, या जिनको हम राष्ट्रवादी कवि कहते हैं, मेरी दृष्टि में वो बहुत एक छोटा अंश था। लेकिन जो ज़्यादा बड़ा अंश था, जो हमारी संस्कृति की समृद्धि और उसके अपने जो स्रोत हैं उनको हमारे सामने, भारतीयों के सामने ला रहे थे, वो निराला, जयशंकर प्रसाद, एक कुछ हद तक मैथिली शरण गुप्त, पंत, महादेवी, ये जो लेखक थे, या जैनेन्द्र कुमार जैसे लेखक जो थे, ये जो, और एक हद तक प्रेमचंद जी, ये जो लोग थे हिंदी में कम से कम, इन लोगों ने हमारी अपनी समृद्धि को बताया। संगीतकारों में हमारे शास्त्रीय संगीतकार जो थे, जो अपनी तरह से गा रहे थे,
जो भारतीय परंपरा में ध्रुपद धमार ख्याल गा रहे थे, अपनी तरह से जो हमारे यहाँ नाटक होते थे, जो हमारी अपनी पारंपरिक, उन तमाम लोगों के होने से हमारी सांस्कृतिक समृद्धि सामने आई और हमारे लोग खड़े हो गए अंग्रेजों के खिलाफ। यानी जो काम गांधी जी ने जगाने की दृष्टि से किया उसको संपन्न और उसको अधिक परिपुष्ट हमारी कलाओं ने किया है। सर, जिस स्तर पे हम अब विकास कर रहे हैं, भाषा का क्या रोल हो सकता है भारत को एक विश्व गुरु बनाने में? एक तो ये जो धारणा है ना विश्व गुरु की, ये इतनी अहमन्यता है इसमें, इतना अहंकार है इसमें। आप कैसे किसी के, देखिए गुरु शब्द देखिए, हमारे इस परंपरा में गुरु शिष्य संबंध क्या होता है? गुरु का काम होता है कि वो शिष्य के स्वभाव को शिष्य के सामने रखे, क्योंकि आपका अपना लिखने सोचने सृजन करने का ढंग अपना होगा, मेरा अपना है, किसी दूसरे का अपना है, ये सारे अलग अलग ढंग हैं। गुरु का सिर्फ इतना काम होता है कि वो उस शागिर्द के स्वभाव को उसके सामने वर्तमान कर दे, उसके सामने उपस्थित कर दे। हम कैसे पूरी दुनिया के स्वभाव को उसके सामने व्यक्त करा देंगे? तो एक तो ये यूफेमिज्म जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, ये एक स्वांग वाक्य है, इसको हमको भूल जाना चाहिए। लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न है कि भाषा का, एक तो विकास को समझना चाहिए। विकास का अर्थ पूरी दुनिया में यूरोपियनाइजेशन है, यूरोपीयकरण है। लेकिन ये प्रश्न पूछने का है कि क्या यूरोप वो लक्ष्य प्राप्त कर सका जिनके लिए वो निकला था? उसका जवाब है नहीं। यूरोप में ना तो संस्कृति समृद्ध हो पाई जितनी वो हो सकती थी, और ना जीवन उतना समृद्ध हो पाया भावना विचारों एक दूसरे से संबंध के स्तर पर। आपको आश्चर्य होगा कि यूरोप में पिछले 20-30 वर्षों में कोई बड़ा प्रेम का उपन्यास नहीं आया। वो इतना सूख गया है वहाँ का समाज, उनके उनके आपसी संबंध इतने सूख गए कि अब यूरोप खुद बड़ी गहरी संकट में है। इसको तो विकास नहीं कह सकते। हमें विकास करने की जगह अलग अलग सभ्यताओं में और भारतीय सभ्यता में भी हमारे लोगों के बीच की जो समृद्धि है उसको पहचानने की कोशिश करना चाहिए, जिसमें भाषा बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। दूसरा, लेखक का काम है कि वो इस एक विकास जो कि विकास है ही नहीं, इसको प्रश्नांकित करें, इस पर सवाल उठाए कि क्या ये सचमुच विकास है, क्या केवल टेक्नोलॉजी की का जो समृद्धि है उसी को विकास कहते हैं? ऐसा तो नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी में विकास करते हुए कि बढ़त करते हुए मानवीय संबंधों और मानवीय उच्च मूल्यों की जो प्राप्ति होती है या सौंदर्य बोध उसकी बलि दे रहे हैं? ये सारे प्रश्न उठाने का काम भाषा का और सृजनात्मक भाषा यानी कहानियों का, कविताओं का और उपन्यासों का हुआ करता है। जी सर। सर, आखिरी सवाल आपसे यही रहेगा कि हम युवा अगर हम हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ना चाहते हैं, हिंदी कविताओं को पढ़ना चाहते हैं या ऐसे लोगों को सुनना चाहते हैं जो हिंदी भाषा में बहुत ही उनकी बहुत बड़ी महिमा रही है, तो आप ऐसी कौन सी किताबें हमारे दर्शकों को और मुझे सजेस्ट करेंगे जो हमें पढ़नी चाहिए भाषा को बनाने के लिए? देखिए, एक बड़ा पुराना सवाल था। एक किसी शख्स ने पूछा अपने गुरु से कि साहब हमको गीता पढ़ना है, कैसा पढ़ना चाहिए? तो अरे गीता पढ़ो, पढ़ना चाहिए। हिंदी के अच्छे लेखकों को आप जानिए और आप उसको हम अन्य समझेंगे। एक आपके साथ बैठा हुआ है, एक हमारे निर्मल वर्मा है, फणीश्वरनाथ रेणु है, ये उपन्यासकार है, अमृतलाल नागर है, ये बहुत अच्छे उपन्यासकार हैं। इनकी किताबें आप जोड़ लेंगे तो 40-50 हो जाएंगी। कवियों को पढ़िए, अच्छे कवियों, श्रीकांत वर्मा को पढ़िए, विनोद कुमार शुक्ल पढ़िए, अशोक वाजपेयी को पढ़िए, निराला को पढ़िए, जयशंकर प्रसाद को पढ़िए, जयशंकर को पढ़िए, जयशंकर प्रसाद को या उनको अपने जैनेन्द्र कुमार को पढ़िए, कृष्ण बलदेव वैद्य को पढ़िए, ये भी उपन्यासकार हैं। बहरहाल ऐसे लेखकों को पढ़ना, और एक बार आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपसे वो छूटे नहीं छूटेगा। और ख्याल रखिए, ये कोई अनुशासन नहीं है साहित्य। जिस तरह सांस लेना होता है और आप सांस लेते हुए जीते हैं, वैसे ही जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो आप अपने को भीतर से समृद्ध कर रहे होते हैं। आप बेहतर बहन बन सकते हैं, आप बेहतर किसी की साथी या दोस्त बन सकती हैं, आप बेहतर मनुष्य बन सकती हैं। और बेहतर मनुष्य बनना भी तो जीवन में एक काम है।
आप अपने भीतर एक तरह की समृद्धि महसूस करते हैं, साहित्य और कलाओं का वो काम होता है। उसके लिए आप सिर्फ हिंदी की किताबें क्यों, आप पूरी भाषा भारतीय भाषाओं की पढ़िए, अंग्रेजी की पढ़िए, फ्रांसीसी की पढ़िए, लेकिन हिंदी में बहुत अच्छा लिखा गया है, इसकी अवहेलना मत कीजिए। धन्यवाद सर, आपके विचार बहुत ही प्रेरणा देने वाले हैं। और जैसा कि आपने कहा कि भाषा बनाई नहीं जा सकती, इसे ख़त्म नहीं किया जा सकता, इसे अपनाया जा सकता है, तो धन्यवाद सर आपका कीमती समय हमारे साथ बातचीत में आपने दिया। ऐसे ही खास मेहमान से मिलने के लिए देखते रहिए लेक सिटी लाइफ।